गाड़ी स्टार्ट कर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। आपको हैरानी होगी अगर मैं बताऊंगा उनके फॉरेन रिजर्व में कितने परसेंट इजाफा हुआ। गाइस 14.6 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। नाइस। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं, यानी हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाए, तो पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। मजा नहीं आ रहा है। एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, नवंबर 2022 में 7.9 अरब डॉलर्स पर आ गया, जिसमें 51% कमी वाकई हुई है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आप कहते हैं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के आलम पर है। यू आर राइट ब्रो। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते, उनके क्रूज के लिए काफी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40% मुझे अपने घर जाना है। इस वक्त हैरान है, अमेरिका तक हैरान है, अमेरिका तक ये सोच रहा है कि इंडिया इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं, यानी हमारे पास कोई बुरा वक्त आए, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाएं, तो पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं? एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज की स्टोरी देखें, हमारे पास टोटल जो पैसा है वो है 8 अरब डॉलर। यानी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कंपेयर कर लें अगर इंडिया से, तो इंडिया के पास 599 अरब डॉलर और आपके पास 8 अरब डॉलर। सर इस इकॉनमी को कौन ठीक करेगा? सागदार साहब, इस इकॉनमी को जहां पर आपने एक 75 रुकनी काबीना बनाई हुई है और बेशुमार मुशीरान है जी। पंजाब, अच्छा इमरान खान साहब कहते हैं कि ये इनको तोड़े, वो कहते हैं उनको पहले आप पंजाब तोड़ो तो फिर हम तो बात कर सुने। इशू ये कि इसमें ये मईशत को कौन ठीक करेगा? हर गुजरते गैस आपकी लोड शेडिंग शुरू हो गई, ये इन्होंने अपने गले लिया सिस्टम, ये पूरा शहबाज शरीफ साहब ने, ये तो निकल जाएगा ना फेज तकरोरी वाला। आगे माशी प्लान क्या है इनके पास? कुछ नहीं, 0/0। हमने गैस की बातचीत शुरू कर दी, वो गैस भाई आपको गर्मियों में आएगी गैस, सर्दियों में जरूरत थी लोगों की। सब्सिडीज खत्म हो रही है, ठीक है, यानी जो कॉरपोरेशन थे गरीब लोग जहां जा रहे 40 किलो आटा उनको 20 किलो मिलेगा सिर्फ, ठीक है ना, यानी दो नहीं अब एक रोटी खाओ। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। व्यूअर्स एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से, और अगर मैं ये बताऊं कि खबर क्या है तो खबर ये है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है। एक हफ्ते में 14.72 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 554.72 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन इंडिया बिजनेस के लिहाज से, रिजर्व्स के लिहाज से बहुत आगे जाता जा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा होता जा रहा है कि दुनिया इस वक्त हैरान है, अमेरिका तक हैरान है, अमेरिका तक ये सोच रहा है कि इंडिया इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है, और इंडिया अपनी ग्रोथ शो करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।